पुरुषवाद करके आत्मा में विचार पाद की कल्पना अथवा आरोप किया गया था उसको यहाँ पे पहला पाद का वर्णन कर रहे हैं। इसमें इंद्र आध्यात्मिक आदिदेवी तो एक करके सप्तांग एक अनुभिक्षति मुख करके बोला, तो सप्तांग तो बोला था आत्मा में परंतु दिखाया विराट पुरुष में, ये एकत्व तो कैसे कर लिया? क्योंकि यही वेदांत की अभिष्ट है। क्या आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक जगत एक ही अधिष्ठान के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, एक ही अधिष्ठान के ऊपर स्थित है। आत्मा के ऊपर ही आदिभौतिक और आदिदैविक जगत स्थित है और देवता को नहीं जाने बिना काम करने से हमारे यहाँ पे जो है अपराध होता है। देवता को नहीं जाने बिना काम करने से अपराध होता है। मिला था उस अस्थि चाक्रायण को आप जो उद्गित की अनुगत देवता प्रतिहार की अनुगत देवता फिर प्रतिहार की अनुगत देवता को नहीं जानते बैठे हुए थे उनके सामने जानने वाले वो चुप हो गए। फिर जब उनके आके पूछा तब वो बताया, फिर वो बोला मैं काम रोकने के लिए नहीं आया, मैं तो थोड़ा अर्थ कर लेता इन लोगों को जितना देंगे उतना मेरे को दे दो, इन लोग अपना काम अपना मैं देखता हूँ। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक और अधिदेवी जगत की अधिभूत के तो ऊपर दिखाई पड़ते हैं, सब एक ही है, एक अधिष्ठान के ऊपर ही विद्यमान है, यही वेदांत की अभिष्ट है। कल मैं बताया था कि एक जो है ये पर जब तक हम अपने से भिन्न करके देखेंगे तब तक हम उससे डरते ही नहीं, भिन्न से ही डर होता है। द्वितीया भाई भयम भवत, ये आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक अथवा अधियज्ञ कुछ भी बोलिए, ये सब चीज क्या है कि आपने मतलब आपने नहीं देखना है। यदि हम इसको परोक्ष रूप में देखेंगे तो साध्य हो जाएगा, और साध्य वस्तु क्या होते हैं कि व्यवहार जो होते हैं। अब बोलेंगे भगवान अधियज्ञ के रूप में भगवान ईश्वर ने अधियज्ञ अहमेव अत्र देहे वृतांबर, आपने बोला कि अधियज्ञ मैं हूँ, तो भगवान स्वयं ईश्वर को भी आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मिथ्या है। हम बोलते ईश्वर का मिथ्या नहीं कहना चाहते हैं, जब तक हमारा जीवत्व है, जब तक हमारे जीवत्व की बोध है तब तक ईश्वरत्व को मान्यता देना पड़ेगा, तब तक ईश्वरत्व है। जीवत्व भाव यदि आपका छूट गया तो ना जीव है ना ईश्वर है। कर्म जीव अपने कर्म और कर्मफल के लिए हमने ईश्वर को माना था, ठीक है ना। हम अधिष्ठान को निषेध नहीं कर रहे, ईश्वर मतलब क्या होता है माया उपहित चेतन, माया और माया का कार्य में मिथ्यात्व तो बोल रहा हूँ, अधिष्ठान चेतन में मिथ्यात्व तो नहीं है। यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते, हम बोलते हैं कि ईश्वर तक मिथ्या ये कैसे बोल रहे हैं हम, कि जगत को मिथ्या बोलते हैं। मतलब मैं कल भी बताया था अनित्य और अनित्य तो सभी वादी मान लिया, और अनित्य से वैराग्य नहीं होता, अनित्य से भोग लिप्सा बढ़ सकता है, परंतु मिथ्या तो निश्चय होने पर फिर भोग लिप्सा चले जाते हैं। और ये मिथ्या की परिधि कहाँ तक है? ईश्वर तक मिथ्या, क्योंकि माया जिसको उपाधि के साथ बोल रहे हैं उपाधि उपाधि कार्य, हाँ अधिष्ठान में मिथ्यात्व नहीं है, उपाधि कार्य में मिथ्यात्व है, अधिष्ठान ही एकमात्र सद वस्तु है ना। इसको समझना है हमको, इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अधियोग्य अहमेव, तो आपने बोला अधियोग्य भी परोक्ष है, परोक्ष मतलब कहते हैं जो दूसरे के सहारे सिद्ध होता है, साध वस्तु है जो दूसरे के सहारे सिद्ध होता है, सभी एकमात्र अपने स्वरूप के बिना सारा दूसरे के सहारे सिद्ध होता है, कोई ना कोई प्रमाण के सहारे कोई वस्तु के सहारे सिद्ध होता है, इसीलिए इसमें मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व निश्चय होने पर ही जगत में वैराग्य आता है, तब जाकर आत्मनिष्ठ आती है। कल जो हम लोग इसके ऊपर देखिए पढ़ रहे थे कि पेज 19, ठीक है ना, कि अध्यात्म भाष्यकार ने लिखा उनके पढ़ते कथम आत्मा अयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्येक आत्मा ने और अस्य चतुष्पाद्य प्रकृति दुर्ग आदि नाम मूर्धाधि अनुवर्तम, ये कैसे आपने बोल दिया विराट पुरुष इसका अंग कैसे हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे अभिष्ट क्या है कि आध्यात्मिक और आधिदैविक में एकत्र है, ये कहना चाहते हैं। तो वहाँ पे आनंद गिरि जी ने क्या समझाया, ये जो स्थूल पिंड दिखाई दे रहा है पिंड उपाधि से अलग अलग दिखने पर भी इसके अंदर जो चेतन तत्व एक बेकी है, इसी प्रकार स्थूल पिंड के पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो जिसको हम यहाँ पे विराट और वैश्वान मतलब व्यष्टि उपहित चेतन और समष्टि प्रत्येक विराट, ठीक इसी प्रकार से तेजस और हिरण्यगर्भ तो वही तत्व वो एक ही तत्व उस रूप में कहा जा रहा है। कब? जब आप सूक्ष्म छेद उपाधि को लेकर के बोलते हैं, और वही तत्व को ईश्वर और प्राज्ञ शब्द से कहे जाते हैं जब केवल मतलब अज्ञान अथवा माया उपाधि के साथ आप उसको बोलते हैं। वही तत्व उपाधि के कारण उसके नाम में भिन्नत्व, और जहाँ कोई उपाधि नहीं काम करता उसको आप क्या बोलते हैं, निर्गुण निराकार कोई शब्द उपयोग नहीं उस शब्द। एक ने मेरे को पूछा था महाराज ये जो जागृत के स्वप्न के सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि को दिखाया गया, तुरीय मत व्यष्टि समष्टि क्यों नहीं दिखाया, वहां भी होना चाहिए था, तुरीय ही नहीं रहेगा। ये
व्यस्ति समझ के उपाधि भेद से हो रहा है। पूछा तो उसने बहुत बुद्धिपूर्वक, जब आपने सिद्ध करने के लिए आपने क्या किया था, जागृत में भी व्यस्ति समष्टि बोल रहे हैं, स्वप्न में भी व्यस्ति समष्टि बोल रहे हैं, सुषुप्त में भी व्यस्ति समष्टि बोल रहे में व्यस्ति समष्टि बोलो ना, वो तो बस यहाँ पे बोलना ही बंद हो जाता है, बोलेगा कैसे? यदि व्यस्ति समष्टि उपाधि कारण होते शब्द प्रयोग होता तो वहाँ पे हम बोल सकते थे, यहाँ पे होना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जागृत में जो व्यस्ति उपहित चेतन उसको हम क्या बोलते हैं, वैश्वानर, और समष्टि में उसको बोलते हैं विराट। ये विराट और हिरण्यगर्भ भिन्न वस्तु नहीं है। आप इसके दृष्टांत को समझने के लिए सफेद कपड़ा, कपड़े के ऊपर मार, मार के ऊपर पेंसिल की दाग, पेंसिल की दाग के ऊपर पेन फट दिया, इतना ही मात्र है पूरा सृष्टि में। शुद्ध चेतन के साथ माया, माया के साथ आपका कर्म की सृष्टि की संकल्प, उसके बाद सृष्टि को रंग भर देना है, तो वहाँ पे कपड़ा सत्य अधिष्ठानी एकमात्र सत्य है। इस चीज को आनंद गिरी जी ने यहाँ पे एक एक करके स्टेप करके बताया। अब हम कल इसको पढ़ लिए थे, यदि एवं तुरीय पर्यावसनम जिज्ञासु मुमुक्ष, तुरीयों में पर्यावसित होना जिज्ञासु रूपी जो मुमुक्ष है उसका आप ये अभिष्ट है, तदा तत्व ज्ञान प्रतिबंधक प्रतिभाषित दैत्य सुपर में, तब क्या हो जाएगा, ये तत्व ज्ञान में प्रतिभाषित प्रतिबंधक क्या है, ये जो प्रतिभाषित दैत्य में सत्य बुद्धि। जब तक हम सो करके स्वप्न देखते हैं तो हमें सात्विक वस्तु में सत्य बुद्धि होती है, कितना भी कोई समझो उस समय हम ये नहीं करेंगे, उठेंगे ना, हम उसको सत्य मानेंगे। इसी प्रकार माया निद्रा में सोया हुआ ये जीव, हमको लगता है हम जगे हुए हैं, तब साक्षी दिखा रहे तो माया निद्रा में सोए हुए है। इस माया निद्रा में सोए हुए प्रतिभाषी के जगत को तब तक हम सत्य लगेगा जब तक हम माया निद्रा से नहीं जाग पाएंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं कि प्रतिबंधक प्रतिभाषी दैत्य ऊपर में सती अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहमस्मि, भेद रही है ना, पूर्ण भेद रहित परिच्छिन्नता से रहित पूर्ण व्यापक तत्व मैं हूँ। इस प्रकार वाक्या तो महावाक्य की साक्षात अयम आत्मा ब्रह्म यहाँ पे लेंगे उसका साक्षात्कार सिद्ध हो जाता है। इति फलित इसको मन में रखते भगवान वाचकर बोले थे एवं च सती सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि। प्रपंच उपशम मतलब ये नहीं समझना कि बुलडोजर जाके सारा सृष्टि को तोड़ देगा, है ना, पहले बताया था है ना, सृष्टि जैसे कि कैसे हो सही रहेगा, जो हमारे मनोराज्यों की सृष्टि जो हमारे बंधन के लिए वो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी। अच्छा अब देखिए आगे भक्ति का में उक्त न्याय न, ठीक है ना, कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ से शुरू होगा आज। उक्त न्याय न तत्व साक्षात्कार संगृहित सर्वेशु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरंतेषु आत्मा एक अद्वितीय दृष्ट सै। इस प्रकार युक्ति के द्वारा उक्त न्याय जिस विचार पे यहाँ पे दिखाया गया, जागृत आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ना जागृत प्रथम पद है, जो दिखाई पड़ रहा है वेदांत उसको निषेध नहीं करते, उसी को सहारा लेकर के धीरे 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 अंदर जाओ। इसलिए उक्त न्याय ना जागृत को प्रविलाप करो, कल मैं बताया था, तो उसके बाद जो है अपना सूक्ष्म शरीर को प्रविलाप करिए, फिर केवल अपनी अस्तित्व के साथ अपना मतलब कोई कुछ मैं कर रहा हूँ परंतु क्रिया भी मुझमें नहीं है, वो अज्ञान की कार्य है, फिर बाद में जब क्रिया भी बंद हो जाएगा अपने तत्व साक्षात्कार होते हैं। उक्त न्याय न तत्व साक्षात्कार संग्रहित, किस प्रकार सत्य साक्षात्कार करना संक्षेप रूप में यहाँ पे दिखाया गया, क्या दिखाया, सर्वेषु भूतेषु समस्त भूत में कहाँ से कहाँ तक अपने अपने मतलब अध्यारोप किया, ईश्वर तक अध्यारोप किया है ना, ईश्वर शब्द यहाँ पे प्रयोग कर, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरंतेषु समस्त भूत में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ से लेकर स्थावर तक जो भी छुटी तक और उस सभी में आत्मा एक है ना, आत्मा एक बोलने से ही काम बन जाता, फिर बोल रहे अद्वितीय, ठीक है हो गया, एक मतलब अद्वितीय नहीं होता है, आत्मा एक अद्वितीय सदैव स्वम इदम अग्र आशीत एकम एव अद्वितीय, तीन शब्द प्रयोग किया, यद्यपि एक शब्द कहने से अद्वितीय तो सिद्ध हो जाता है, वहां पर एगो भी लगा है, तीन प्रकार की भेद होती है, क्या प्रकार की, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद, सजातीय भेद विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद मतलब हम मनुष्य सभी प्रत्येक मनुष्य का साथ प्रत्येक मनुष्य का भिन्न देश बोलते सजातीय भेद, विजातीय भेद मतलब क्या हो जाएगा, मनुष्य के साथ पेड़ पौधा पशु पक्षी का जो भिन्नता है वो विजातीय वस्तु वो भेद, और स्वगत भेद मैं मनुष्य हूँ मैं अकेला हूँ परंतु मेरा सर अलग पैर अलग हाथ अलग पेट अलग, ये स्वगत भेद आत्म में रहने वाले भेद।
ये अग्नि के पद के द्वारा हर प्रकार की स्वागत भेद को भी विजाती और स्वागत भेद का भी निषेध करते हैं। एक शुद्ध व्यापक चेतन मात्र ही विद्यमान होते हैं। आत्मा एक अद्वितीय दृष्टस्य, दृष्ट मतलब ये आपका समझ में आ जाएगा, अनुभूतस्य वो हो जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया ऐसा अन्वश्रुति में भी कहा, एकदेव सर्वभूतेषु गुर सर्वभूत अंतरात्मा साक्षी चेता निर्गुण केवलस्य, ऐसा शतशतरूपण शब्द कहा साक्षी चेता निर्गुण केवलस्य, एक देव सर्वभूतेषु गुर इति तत्र तत्र मतलब समस्त भूतों में, है ना, जितना जिसको देखा है समस्त भूत जहाँ जहाँ हमने अध्यारोप किया जाना है ब्रह्म चैतन्य से उस व्यापक चेतनता का ही प्रत्यक्तेन स्वरूपभूतेन अवस्थान स्वरूप होकर के विद्यमान रहने के कारण अभ्युपगमा इस विद्यमान रहता है ऐसा मान्यता होने के कारण तानी तानी जब सर्वाणी प्रातिभाषिकानी भूतानी, इसीलिए जब किसी वस्तु को पर एक साथ एक ही जगह जब दो वस्तु दिखाई दे रहा है यानी कि एक उसमें प्रातिभाषिक है और एक पारमार्थिक है, एक प्रातिभाषिक है एक पारमार्थिक है, दो रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार टेबिल के ऊपर पर जो कवरिंग है दो अलग दिखाई पड़ता है स्पष्ट, तो दो वस्तु है परंतु यहाँ पे दो नहीं दिखाई पड़ता है, एक ही दिखाई पड़ता है। रज्जु को सर्प रूप में हमने समझ लिया, शुद्ध चेतन को हमने नाम रूप में समझ लिया यानी कि नाम रूप मिथ्या है। जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, हम रज्जु नहीं समझ पा रहे हैं उसको सर्प समझ रहे हैं, ज्ञान होने पर हमें क्या लगता है अरे इसी को मैं सर्प समझ रहा था अधिष्ठान। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे अधिष्ठान शुद्ध चेतन एक व्यापक चेतन है उसके ऊपर नाम रूप दिखाई पड़ता है। ज्ञान होने पर क्या होता है कि शुद्ध चेतन क्षमता हम क्या निश्चय करते हैं जो नाम रूप मुझे दिखाई दे रहा था वो हमारी कल्पना थी, रज्जु के ऊपर जो सर्प दिखाई दे रहा था वो हमारे बुद्धि थी, वो बुद्धि में थी। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि एक देव सर्वभूतेषु तत्र तत्र ब्रह्म चैतन्यस्य प्रत्यक्तेन अवस्थान अभ्युपगमात्, प्रत्येक आत्मा के रूप में उसकी विद्यमानता को मान्यता होने के कारण तानी तानी च सर्वाणि प्रातिभाषिकानि भूतानि, ये दिस इंपॉर्टेंट है, वो जो भूत नाम रूप को हमने कल्पना किया था उसके पर उसका प्रातिभाषिक है क्योंकि हमें उस समय सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे रहा था। अब हमको जब ब्रह्म चैतन्य दिखाई देने लगे तो व्यापक तब होता है नाम रूप उसी जगह पर दिखाई दे रहा है यानी कि नाम रूप में पारमार्थिकता नहीं है, ये अपने निर्णय करते हैं। सर्वाणि प्रातिभाषिकानि भूतानि तस्मिन् एव आत्मनि कल्पितानि दृष्टानि स्युः, ठीक है ना, ओ उसी आत्मा सर्वभूत आत्मा में सारा नाम रूप कल्पित है, इस प्रकार अनुभव में आ जाता है ना। इसलिए बोलता है कि तस्मिन् एव आत्मनि उसी स्वरूपभूत मतलब ये ब्रह्म चैतन्य रूपी जो आत्मा है व्यापक चेतनता रूपी जो आत्मा है तस्मिन् मतलब ब्रह्म चैतन्य आत्मनि व्यापक चेतनता रूपी जो आत्मा उसमें कल्पितानि दृष्टानि सब कल्पित है, दृष्टानि मतलब अनुभव अनुभव हो जाता है दिखाई देने लग जाएगा। तथा च इसी को पूर्णतम आत्मनो भूतांतराणाम च तत् अतिरेकेन सत्ता स्फूर्ति विरहित सिद्धति, इस प्रकार क्या हो जाएगा ये जो हमको परिच्छिन्न दिखाई पड़ रहा है, अब परिच्छिन्नता दिखाई किसके कारण पड़ रहा है उपाधि के कारण, जब उपाधि में मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाएगा तब क्या दिखाई देगा पूर्ण व्यापक तो समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं तथा च इसके फलस्वरूप पूर्णतम आत्मनो जो हमारे रोज हम लोग बोलते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, उस पूर्ण का पूर्णत्व जब हमको समझ में आ जाएगा तब दो पूर्ण नहीं रहेगा तब एक ही पूर्ण रहेगा। पहले तो पूर्णमादा पूर्णमिदम करके बोलते हैं परंतु उस पूर्णत्व की उस पूर्ण के में जो पूर्णत्व के धर्म है जब ये समझ में आ जाता है तब पूर्णमेव अवशिष्यते एक पूर्ण ही बचता है। इसे क्या बोलते हैं तथा च पूर्णतम आत्मन अपना आत्मे में अपने में अपने को पूर्णता पूर्णता समझ में आ जाएगा। भूतांत क्यों जो भी कुछ भूत दिखाई दे रहा है वो भिन्न मुझसे भिन्न होकर के कुछ संसार में है नहीं, मुझसे भिन्न होकर के समस्त भूतों को सत्ता स्फूर्ति करके व्यवहार करने में ही कर रहा हमारी एक चेतन के कारण ही हो रहा है। ये वेदांतिक सुंदरता है, यदि ये व्यक्ति को समझ में आ जाए कि बस समस्त सृष्टि में समस्त नाम रूप में मैं ही सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके व्यवहार कर रहा हूँ अपनी व्यापकता में समझ में आएगा। तो शरीर को दूसरे जहाँ पे नाम रूप को मैं व्यवहार कर रहा हूँ वहाँ पे कोई भिन्न तो बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि तो मैंने अपने संकल्प से बनाए, फल तो क्या हो जाएगा राग द्वेष मिल जाएगी एकत्व तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए बोलते हैं तथा च पूर्णतम आत्मनो भूतांतराणाम च तद व्यतिरेकेन समस्त भूतों को उस आत्मा से भिन्न करके सत्ता स्फूर्ति विरहित्व उसका कुछ अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। कभी भी भ्रांति भ्रांति वस्तु भ्रांति के दिखाई दे रहा जो वस्तु अधिष्ठान के बिना उसका कोई सत्ता स्फूर्ति नहीं हो सकता।
भ्रांति से दिखाई दे रहा है जो वस्तु अधिष्ठान ही उसका एकमात्र आश्रय है, उसके बिना उसका। इसलिए जहां जहां भ्रांति से हमने कल्पना किया वहां वहां एक ही अधिष्ठान है, इस प्रकार से इसी को जो है मनुस्मृति भी कहा है। ठीक है ना, तथा च पूर्णतम आत्मन भूतान्तरेकेन सत्ता स्फूर्ति विरहित सिद्धति ततश्च सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मजाजीवै स्वराज्यम् अधिगच्छति। ये मनुस्मृति है। ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए हमारे उपनिषद में ईशावास्य उपनिषद का मंत्र याद है किसी को, छठा और सातवां, जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुष्यते। ठीक है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भवत् विजानत तत्र पूर्णो कोशो एकत्वम् छह नंबर श्लोक उपनिषद में बताया, जगह भी यही है, ये बताया गया है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, आपने नहीं देखते आत्मैव भवत् विजानत, सर आत्मा स्वरूप भूत है, इस प्रकार जान लिया तब क्या है सर्वेषु भूतेषु च आत्मानं, मतलब कह गया अपने में सर्वभूतों को, समस्त भूतों में अपने को। क्या बोला, दोनों चीज, समस्त भूतों में अपने को और अपने में समस्त भूतों को, इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति ततो न विजिगुप्सते, मतलब किसी से घृणा नहीं करता, कोई चीज छुपाने का कोशिश नहीं करता, किसी को रक्षा करने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि आत्मरूप में देखते हैं। अब इन दोनों में किस में जोर देना है, भूतों में अपने को देखना है कि अपने में भूत को देखना है? क्या प्रश्न किया मैंने, भूतों में अपने को देखना है अथवा अपने में भूतों को देखना है, किस में जोर देंगे हम? भूतों में अपने को देखना नहीं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बुझाना है ना, जिस समय समस्त भूत अपने में ही देखते हैं, आप अभिन्नता वो दोनों में पहले अभ्यास करते समय समस्त भूतों में अपने को, अपने में समस्त भूतों को, फिर समझते समझते का जगह भूत लय हो जाएगा, मैं ही केवल रहूंगा, यानी कि अपने में समस्त भूत लय प्राप्त हो गया, इस समय शोक मोह नहीं रहता, ये ईशा का शोक नहीं। अब जो है ये जो है यज्ञ के रूप में कहा गया है, किसी को यज्ञ के रूप में कई प्रकार के यज्ञ के बारे में भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, है ना, एक हो गया कि द्रव्य में यज्ञ, एक प्राणायाम आदि यज्ञ, एक अध्ययन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परंतु अंतिम में भगवान श्री श्रेयान द्रव्यमयान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतु बताते हैं कि नहीं बताते ज्ञान यज्ञ क्या है, दैव मेवा परे यज्ञ योगी न पर जो भाषा थे, दैव मेवा परे यज्ञ योगी न प्रसन्न ब्रह्माग्नम अपरे यज्ञ योग्य नहीं उपयुक्ति, ब्रह्माग्नम अपरे यज्ञ योग्य नहीं उपयुक्ति। ये हमको लगता है 24-25 श्लोक के बाद देखो, ब्रह्मार्पण ब्रह्म की बात 24 श्लोक के बाद देखो, 25 श्लोक देवताओं के उद्देश्य करके आपने अग्नि में आहुति देते हैं, आपने कर्म को भगवान का आहुति देते हैं, कर्म योग में अपने कर्म को भगवान के चरण में समर्पित करते हैं, और फल चाहने वाले सामान्य लोग देवी देवताओं को उद्देश्य करके आहुति देते हैं, और यहाँ पे हमारे मनुष्य बोल रहे हैं, मनुष्य मनु जी बोल रहे हैं आत्मजाजी, ठीक है ना, आत्मजाजी मतलब अपने को हवन करने वाला, अपने को आहुति देने वाला, अपने को आहुति देने वाला क्या हो जाएगा, ये अपनी परिच्छिन्न अहंकार को व्यापकता में आहुति देना, अपनी परिच्छिन्न अहंकार को व्यापकता में आहुति देना, जिससे बेस्ट सैक्रीफाइस जहां तक आज तक हो सके सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, इसी को हम देखो दैव मेवा परे यज्ञ योगिनो पर भी पा सके, कुछ लोग योगी लोग क्या करते हैं, कर्म योगी लोग अथवा सामान्य योगी लोग को क्या करते हैं, देवता को उद्देश्य करके आग में द्रव्य को आहुति देते हैं, परंतु ब्रह्म नहीं अपरे यज्ञ नहीं ब्रह्म रूपी आग, ब्रह्माग्नो अपरे ब्रह्म रूपी आग में, मतलब व्यापकता की आग में यज्ञ यज्ञ उपयोग होती, आत्मा अपने द्वारा अपने को आहुति देता है, मतलब
अपने अहंकार के द्वारा परिच्छिन्न अहंकार तो व्यापकता, ब्रह्म मतलब व्यापकता, व्यापकता की आग में अपनी परिच्छिन्नता को आहुति देते हैं, ये हो गया आत्मज्ञान। ये परिच्छिन्नता बुद्धि हमारे जो है मतलब बंधन का हेतु, ये परिच्छिन्नता बुद्धि हमको द्वैत दिखाते हैं। तो आप क्या है, जैसे जैसे आप अपनी परिच्छिन्न, यही सबसे बड़ा अच्छा यज्ञ माना गया भगवान स्वयं श्रेयान द्रव्य मयान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्य मयान यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तत्व। अब इस यज्ञ को हम कैसे करेंगे, इस यज्ञ को हम कैसे करेंगे, तो एक मनु जी हमें बोलते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतस्थम आत्मान मतलब समस्त भूत में स्थित हूँ मैं, क्योंकि वो सामने आपको पहले समस्त भूत दिखाई पड़ता है, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मैं ही समस्त। आप क्या निश्चित, जितना भी भूत तक हमारा मन जाता है, जहां तक मन जाता है, आपनी व्यापकता को आप कैसे समझें, मैं जहां तक आपके मन जाता है, जहां तक आपके मन जाता है, आप तुरंत उसको जो है समझ जाते हो, यहाँ पर मन समझता कौन है, मैं समझता हूँ। अब इन समझ मतलब जहां तक मन गया, इसलिए ईशावास उपनिषद ने कहा कि अनेजा देखो मनुष्य जब ये मन से भी वेगवान, मैं वेगवान आत्मा में जाने की जगह नहीं है, यानी कि आत्मा वहां पे पहले विद्यमान है, तभी मन वहां पे गया तो हमको पता लगता है, मन वहां पे गया मुझे पता कैसे लग रहा है कि मैं पहले से वहां पे विद्यमान। अब यहाँ पे सर्वभूतस्थम आत्मान क्या हो गया, जहां जहां आपका भूत रूप में दिखाई पड़ रहा है वहां पे आप मैं विद्यमान हूं, ये आपने सोचा। अब क्या हो जाएगा, यानी अपनी विद्यमानता आपने कहां पे ले गया, अब क्या हो गया कि आत्मा की व्यापकता में, यानी सारे मुझ में ही है, सारा मुझ में ही है, सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूत पहले सर्वभूतता, परंतु अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने में ही समस्त भूत का अनुभव करो, भूत अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अभ्यास शुरू करना है हमको, जो सामने दिख रहा है हम नहीं कहते, जो सामने दिखाई दे रहा है उसको लेकर के दिखाएगा, समझाएगा, फिर बोलेगा इसका विपरीत करो, विपरीत क्या हो जाएगा, अपने में माने यानी कि व्यापक रूप में मुझ में सारा चीज कल्पित है। अच्छा, इस व्यापक रूप में मुझ में जैसे आपको समझ में आएगा, ये आपका श्रेष्ठ जाग हो जाएगा, अपने आत्मजागी बन गए, मतलब परिच्छिन्नता का आहुति दे दिया, परिच्छिन्नता का आहुति दे दिया, विचार के द्वारा अपने विचार के द्वारा क्या करता है, अपनी व्यापकता समझ में आते क्या होता है, अपनी परिच्छिन्नता का आहुति होने, अपने आप ही आहुति होता है, इसलिए बोलता है संपश्यन, इस प्रकार देखते हुए कौन आत्मजाजी, ये आत्मजज्ञ है, आत्मानम जजते इति आत्मजाजी, अपने आप अपने को दैवमेव, ये जो ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञ यज्ञ नहीं उपजीवति, उसका भाष्य में देखना, यज्ञ शब्द का अर्थ करता है आत्मा, और आत्मा आत्मे अपने द्वारा अपने को, अपने द्वारा अपने को आहुति देते हैं, मेरे गुरु में कथन है, एक कथन है, आत्मविश्वास बल में बलियान होकर के, आत्मनिर्भर होकर के, अपने द्वारा अपने को जानने में आत्मनियोग करना पड़ेगा, आत्मा का अनुतर देखिए, मतलब पहले सेल्फ रिलायंस से विद फुल रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, जस्ट यू हैव टू नो योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, आपने आप अपने को अपने तरह जानने को, तो आप तो मैंने को जानते हो, मुझे जानते हो, तो भ्रांत ज्ञान है, इसी को तो मिटाना है, तो कैसे होगा, इस भ्रांत ज्ञान को आप ठीक, ये है सर्वभूतस्थम आत्मान, समस्त भूतों में अपने को देखना, सर्वभूतानि च आत्मनि, उसका विपरीत भी भगवद गीता के षष्ठ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सर्वभूत अपने जो अपने में समस्त भूत को आहुति रूप में देखते हैं, वो मेरा सबसे प्रिय है, वो भी यहाँ पे बोलते उसको, वो मेरे लिए कभी जो है अलग नहीं होता, भिन्न नहीं होता हमसे, देखिए तुम भी अच्छा ये स्टूडेंट माइंड में फ्लैश हो जाता है, ये है षष्ठ अध्याय की 30वां श्लोक, देखिए श्लोक कहाँ पे मुझे याद है, तब श्लोक का पहले नहीं जाते हैं, समस्त भूत में अपने को देखते हैं, अब मुझ में समस्त मैं अपने में सबको सब में मुझको, ये आत्मा आत्मा रूप में ठीक इसी प्रकार जिस थोड़ा देखते हैं, सचना में प्रणश्यति, वो उसके लिए मैं कभी नाश नहीं होता, ना वो मेरे दृष्टि से कभी नाश होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आत्मज्ञ क्या वस्तु है, ये भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय के 25वां श्लोक
चतुर्थ अध्याय की 25वां श्लोक, उसके बाद फिर देखना 28वां श्लोक को देखना, दोनों को मिला करके यहाँ पे जो है मनुस्मृति ने लिख दिया कि सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वोऽपि भूतानि च आत्मनि, 28वां की 6वां और 7वां श्लोक, ठीक है, इनको देखना, इसको तो उद्धृत करेंगे यहाँ पे। संपश्यन, इस प्रकार देखते हुए, आत्मजाति, आत्मजाति का भीषण संपश्यन, देखते हुए आत्मजाप करने वाला व्यक्ति स्वराज्य में अधिगच्छति, सस्मिन् राजते इति स्वराट, अपने स्वरूपभूत राज्य में राज्य को प्राप्त कर लेता है, समझ अधिगच्छति, अधिक पूर्व गम धातु का होता है बोध, अधिगम मतलब बोध, ठीक है ना, अधिक पूर्व गम धातु का बोध होता है, इस प्रकार अपने साम्राज्य का संपूर्ण साम्राज्य का बोध उसको उत्पन्न होता है। देखते हुए आत्मयज्ञ करने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने स्वराज्य को प्राप्त करते हैं, मतलब बोध हो जाते हैं। 10वां टिप्पणी में देखिए बोलते हैं, मोक्ष लक्षणम स्वातंत्र ई स्वराज्य, इति स्मृति अनुग्रहिता भवती, यदि मनुस्मृति इस प्रकार देखने पर ही, मतलब समस्त द्वैत प्रपंच को से उपशम होकर के अपने स्वरूप देखना, इस स्मृति तभी सफल होगा जब हमारी दृष्टि होगी सर्व प्रपंच उपशम अद्वैत सिद्धि, है ना। अब यहाँ पे बोलते हैं कि सर्वभूतस्य आत्मा एकत्र, समस्त भूत में एक ही आत्मा को ये दृष्टा देखना होगा, अनुभव में आ जाता है। सर्वभूतस्थ, समस्त भूत में स्थित आत्मा एक, समस्त भूत में एक ही आत्मा विद्यमान, एक ही आत्मा है, ये दृष्ट ये देखा, ये अनुभव में आ रहा है, ठीक है। इसी के प्रतीक लेकर क्या बोलता है, इस स्मृति अनुग्रहिता भवत, अनुग्रहिता मतलब उपपादिता, ये प्रतिबंध हो जाएगा, सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार एकत्र दृष्टि से श्रुति स्मृति बात को सिद्ध होती है। आगे बोलते हैं, न च इदम मानवम वचनम अमानवित शंकनीय, टीका है ना, मनुष्य का मनुष्य का ये वाक्य ये प्रामाणिक नहीं है ऐसा शंका नहीं करना चाहिए, मनुस्मृति के ये वाक्य प्रामाणिक नहीं है ऐसा शंका नहीं करना चाहिए, क्यों, ये श्रुति के आधार पर है ना, जो अनेक स्मृति है हमारे पास, परंतु उस स्मृति की मान्यता अधिक है जो श्रुति के अनुकूल बोलती है, जो स्मृति श्रुति के विरुद्ध में बोलते हैं उसको प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। वेदांत क्षेत्र, न च इदम मानवम वचनम, मनोर अयम मानवम, है ना, मनु से आता है, मनोर अयम मानव, इदम से अनुप्रत्यय होते हैं, तो न च इदम मानवम वचनम अमानम, प्रमाणित नहीं है, इति शंकनीय, हमेशा शंका नहीं करना चाहिए, क्यों, जद वै किंचन मनुर अवदत तद भेषजम इति श्रुति है, इस प्रकार के श्रुति वाक्य भी कहीं पर मिलता है कि जो भी कुछ मनु बोलते हैं वो दवाई जैसा है, मतलब वो सच्चाई है, तो दवाई है, मतलब संसार भव व्याधि का दवाई है, भव व्याधि का दवाई क्या, मनुस्मृति में जैसा आचरण को कहा गया है वो मानने से लोग संसार भव व्याधि से छूट जाते हैं। इति सुते इति अभिप्रेत, इसको मन में रख करके दर्शित स्मृति मूलभूत अनुश्रुति यति, जो स्मृति को यहाँ पे दिखाया गया है कौन सा, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, क्योंकि जो जो कोई भी स्मृति वाक्य यदि कोई श्रुति वाक्य को अनुसूर होता है तो प्रामाणिक हो जाता है, तो इसके पीछे कौन सा श्रुति वाक्य है वो दिखाते हैं, स्वयं भगवान भाष्यकार आनंद गिरि दिखाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भगवान भाष्यकार पर सर्वभूतस्य आत्मा एक दृष्ट, उसके पीछे कौन सा श्रुति है उसको बोलते हैं कि दर्शित स्मृति मूल भूतान श्रुति, जो श्रुति में स्मृति को यहाँ पे दिखाया गया है उसका जो मूल जो श्रुति मूलभूत श्रुति है उसको सूचित, उसको सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं कि जस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुति अर्थ उपसंहृतस्य एवं स, ठीक है ना, मिला इस पर, इस प्रकार से कि दर्शित स्मृति मूलभूत श्रुति सूचयति सर्वभूतानि च आत्मनि, जस्तु सर्वाणि, यहाँ पे क्या आया था कि सर्वभूतस्थम से आत्मा एकदृष्ट और सर्वभूतानि च आत्मनि, समस्त भूतों में अपने में समस्त भूतों को, समस्त भूत सर्वभूतानि समस्त भूतों को द्वितीय एक बने नहीं और आत्मनि अपने में, ये दोनों समस्त भूतों में अपने को अपने में समस्त भूतों को मिलाना है ना, इस प्रकार से जो इस प्रकार करते हैं, इसके पीछे श्रुति वाक्य को मैंने क्या बोला, कौन सा श्रुति है, दो श्रुति है, ईशावश्य छठा सतम मंत्र, जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मने वनपसदे सर्वभूतेषु च आत्मनं दमनं विदुष्यते, जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मने बाबुद् भजानं तत्र को महत्को सुख एकत्वम अनुपश्यते, दो श्रुति है ईशावश्य मंत्र छठा और सातम, उसी को मन में रखते भगवान वाचकार बोलते हैं श्रुति भी मतलब हमारा सफल श्रुति हो जाएगा, जस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुति अर्थ उपसंहृत अंशा, इसका भी यहाँ पे उपसंहार हो जाएगा, मतलब इस श्रुति वाक्य को भी इस श्रुति के साथ मिलकर पुष्ट हो जाएगा,
यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा क्या हो जाएगा? स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्येकात्मा शांखादि भी इव दृष्टस्य। प्रत्येकात्मा क्या हो जाएगा? यदि आत्मा अनेक एक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अनेक आत्मा होगा। एक शांखवादियों ने आत्मा को अनेक माना, शांखवादियों ने पुरुष को अनेक माना, यद्यपि वो बहु विभू भी बोलते हैं उसको, प्रत्येक अनेक विभू तो होने से जो अनेक होगा वो परिच्छिन्न निश्चित होगा, जो अनेक होगा वो परिच्छिन्न निश्चित होगा, जो एक होगा वो तो विभू हो सकता है। इसलिए अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारी भी क्या हो जाएगा, हमारे सिद्धांत तो क्या हो जाएगा, स्वदेह परिच्छिन्न एक प्रत्येक आत्मा, मतलब प्रत्येक आत्मा कितना हो जाएगा, जितना अपना शरीर परिच्छिन्न है उतने प्रत्येक आत्मा हो जाएगा। शांखादि भी रिव, जिस प्रकार शांखोवादी शांख योग न्याय वैशेषिक पूर्व दर्शन जैसा माना, पांचों वादियों ने आत्मा को इसी प्रकार परिच्छिन्न, जीवात्मा परमात्मा की भिन्नता माना और जीवात्मा में अनेक माना। ये शांख दर्शन में तो ईश्वर शब्द नहीं है, परंतु योग दर्शन में ईश्वर शब्द है, उसके पुरुष विशेष माना गया है ईश्वर, और शांख दर्शन में अनेक पुरुष माना गया है, योग दर्शन में परमात्मा को अलग माना और पुरुष को अनेक माना। न्याय वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा, सॉरी शांख न्याय है, न्याय और वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा तो आत्मा को दो विभाजन किया, परमात्मा एक है जीवात्मा अनेक है, ये आपने देखा। इस प्रकार हमारे दर्शन में भी ऐसे ही इनके सामने के दर्शन के समान हो जाएगा, यदि हम एक आत्मा एक करते श्रुति वाक्य को नहीं मानेंगे तो अन्यथा तथा च सति अद्वैतमिति श्रुति कृत। इसलिए ये जो अद्वैत श्रुति एकमेव अद्वितीय, इस प्रकार की श्रुति वाक्य को सब विरोध होने लग जाएगा, अथवा इसका कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होगा, इस बात को यथार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए वेदा अद्वैत सिद्धांत में जो कहा गया है एकमेव अद्वितीय सजातीय विजातीय सकल भेद से रहित एक पूर्ण तत्व है, देखना श्रुति कृत विशेषण नश्यतिविधि सांख्यादि दर्शन है ना, अभिन्न अन्य दर्शन के साथ हमारे दर्शन में कोई भिन्नता नहीं है, अविशेषण उसके साथ, मतलब न्याय दर्शन बोसे जी वो भी द्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन में कोई भिन्नता, वो भी द्वैत दर्शन हो जाएगा। अब इसके ऊपर टीका लिखी भाष्यकार इतना बोली, यो ही टीका में पादत्रयम् प्राप उक्तया प्रक्रियाया प्रविलाप्य तुरीय नित्य विज्ञप्ति मात्रे सद आनंद एकताने परिपूर्णे प्रतिष्ठां प्रतिबद्धते स ब्रह्म अहमस्मि इति आत्मानं जानान सर्वेषां भूतानां अधिष्ठानान्तर अनुपलब्धमान आत्मनि एव प्रातीतिकानि इति प्रत्येति। ठीक है ना, आनंद गिरि जी इसी का अभिप्राय अर्थ को आपको समझा रहे, जो व्यक्ति यो ही है ना जस्मिन सर्वानी भूतानी अजस्तु सर्वानी भूत, दोनों में देखिए जिस काल में जिस अधिकारी में, सबके लिए नहीं होगा, ये किसी भी अधिकारी में हमेशा नहीं होगा, किसी अधिकारी साधन करते करते जस्तु सर जो अधिकारी जस्मिन काले जिस समय में आकर के उसको अनुभव होगा उस समय वो मुक्ति का अनुभव करे। इस होता है ज ही पाद त्रय तीन पाद को है ना, ये तीन पाद क्या हो गया आपका पद्धति अनैन इति पाद, तीन पैर के ऊपर चढ़ करके मतलब आश्रय ले करके प्रागुक्तया प्रक्रियाया, मतलब जो प्रक्रिया दिखाया गया है, मतलब कि ये जागृत की उपाधि आपको क्या हो गया कि इंद्रियों के माध्यम से स्थूल शरीर के माध्यम से बाहरी वस्तु को देख रहे हैं, फिर स्थूल शरीर से तादात्म्यता छूट जाते हैं, केवल मात्र संस्कार मात्र से हम अपने चेतन चेतन को समझ रहे हैं, फिर संस्कार भी चला गया परंतु चेतन अज्ञान से घेरा हुआ है कुछ नहीं समझ में आता है। इस प्रकार से धीरे 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 स्थूल जगत को सूक्ष्म में सूक्ष्म को केवल बीज में बीज को भी लय करके शुद्ध चेतन में इस प्रक्रिया को अपना करके यो ही पादत्रयम प्रक्रिया प्रागुक्तया प्रक्रियाया प्रविलाप्य प्रविलाप करके कहाँ पहुँचेंगे तब आप तुरी, ये तीन के अंदर अनुशुद्ध जो चौथी स्थिति ये सारे उपाधि से रहित है, ये सारे तीन स्थिति अनित्य है, परंतु तुरीय क्या है नित्य है ना, तुरीय नित्य से नित्य, तो क्यों नित्य है क्योंकि केवल मात्र बोध स्वरूप है, प्रज्ञप्ति मात्र ज्ञान रूपी कोई क्रिया नहीं है, जहाँ क्रिया होगा वहाँ नित्यत्व आएगा, केवल बोध मात्र चैतन्य मात्र विज्ञप्ति मात्र सदानंद एकता ने, हमेशा एक आनंद की एकतानता, आनंद की एक आनंद रश्मि को पूर्णता में आनंद है, पूर्णता में आनंद है, शुद्धता में आनंद है, पूर्णता में शुद्धता में आनंद है, जहाँ द्वैत के साथ संबंध हुआ
वहीं पे इनिशियली थोड़ा आनंद आने पर भी बाद में हम दुखी हो जाते हैं, बाद में हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सदा आनंद एक एकता ने परिपूर्ण है ना, चारों तरफ से एक शुद्ध प्रतिष्ठान प्रतिबद्धते जह प्रति जो व्यक्ति उस प्रति वहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाए, प्रतिष्ठान मतलब प्रतिष्ठित रूप में स्थित प्रतिष्ठा उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये प्रतिपस्था था उसे बनते हैं निष्ठा रूप प्रतिष्ठा है ना प्रतिबद्धते सब और वही ब्रह्म अहम उस व्यापकता ही मेरा स्वरूप है। यदि आत्मान जाना इस प्रकार अपने आप को जानते हुए सर्वेशा भूतानाम अधिष्ठान अंतरम समस्त भूतों को रहने की जगह मुझ भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त भूत दिखाई पड़ रहा है मेरे अंदर ही दिखाई पड़ता है, मुझसे भिन्न किसी का कोई रहने का जगह है ही नहीं। इसी प्रकार सर्वेशा भूतानाम अधिष्ठान अंतरम अनुपलभ माना और कोई भी अधिष्ठान को नहीं देखते हुए आत्मनि एव प्रातीतिकानि तानि प्रति इसलिए ये मुझ में ये प्रतीति मात्र मुझ रूपी अधिष्ठान में नाम रूप सारा प्रतीति मात्र है। इति तानि प्रत्येति प्रत्यय उत्पन्न होता है, प्रत्येति इस प्रकार बोध उत्पन्न होता है। तेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मानं सत्ता स्फूर्ति प्रदम अवगच्छति उन समस्त भूतों में अपने को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले रूप में और जन समझ जाता है। ये समस्त भूतों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं ही हूं इस प्रकार का समझता है। इसे बोलते हैं तेषु सर्वेषु भूतेषु उन सभी भूतों में आत्मानं अपने आप को सत्ता स्फूर्ति प्रदम मैं ही समस्त जीव को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला इस प्रकार से अपने को अवगच्छत रूप में बोलते हैं। समझ में अवगच्छति अधिगच्छति इति अस्मै ब्रह्म अवगत वो ना अधिगच्छति लगभग ये कहीं कहीं के उसका गम्यते होता है अवगम्यते और अधिगच्छति है कि एक पैसिव भाई एक एक्टिव है गम्यते बोल रहा पैसिव हो गया ना वो उपसर्ग मतलब गम धातु के साथ अव और अधि उपसर्ग लगा हुआ है आप उसको एक्टिव वर्ब में प्रयोग कर रहे हैं कि पैसिव वर्ब में अलग है अर्थ वही रहेगा अवगम्यते अथवा अवगच्छति अधिगम्यते अधिगच्छति भिन्नता क्या है दोनों में एक एक्टिव है एक पैसिव है ठीक है ना अर्थ पे ही है। अब कहीं पे अधिगच्छति का मतलब अधिपूर्व गम धातु का कहीं खराब अर्थ में भी प्रयोग होता है खराब अर्थ मतलब किसी को जबरदस्ती चढ़ जाए उस समय प्रयोग होता है मतलब अवगच्छित तो बोध में आता है अवगम तो बोध सभी जगह पे आता है गम धातु का अंदर ये छुपा हुआ है डू फॉलो मी इसका मतलब क्या हुआ कैन यू फॉलो मी अथवा डू फॉलो मी क्या आप मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ में आ रहा है देखिए फॉलो मी था आपको मैंने किसी भी एक गम धातु का अंदर ये छुपा हुआ ठीक है ना एक अंग्रेज में भी है ऐसा प्रयोग करने की शैली ऐसा है। तो यहाँ पे जो है बोलने हैं कि प्रतिपद्यते स ब्रह्म अहमस्मि इति आत्मानं जानन् सर्वेषां भूतानां अधिष्ठानम् अन्तरम् अनुपलभमानः समस्त भूतों के अधिष्ठान दूसरा कोई नहीं मुझ भिन्न इस प्रकार आत्मन एव प्रातीति कान ऐसे समस्त भूत मुझे मेरे ऊपर प्रतीति मात्र हो रहा था प्रत्येक इस प्रकार से बोध उत्पन्न तेषु सर्वेषु भूतेषु आत्मानं सत्ता स्फूर्ति प्रदम अवगच्छति समस्त भूतों में भूतों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ ऐसा समझना है। फलत क्या हो जाएगा किसी भूत के साथ कोई भिन्न बुद्धि नहीं होगी फलत क्या हो जाएगा ना किसी की प्राप्ति की इच्छा न होने की डर जो भी हमारा प्रयास होता है जो कुछ भी हमारा प्रयास होता है शरीर के द्वारा उसके पीछे दो ही अभिप्राय होता है दोनों में से कोई एक या तो मैं प्राप्त करूंगा अथवा खोना जाए मुझसे है कि नहीं यही दोनों के लिए प्रयास होता है। अब जब हर जगह आप अपने को देखने लग जाएंगे समझ में लग जाएंगे तब क्या हो जाएगा न किसी प्राप्ति की इच्छा न किसी खोने की इच्छा तब स्वाभाविक रूप से क्रिया व्यवहार ततश्च न किंचिदपि गोपायितुम् इच्छति इति श्रुत्यर्थस्य क्योंकि ततो न विजिगुप्षते गुप्तरक्षण धातु है मतलब छुपाने अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे आप अपने को समस्त भूत में देखने लग जाएंगे तब आपको किसी को रक्षा करने के लिए किसी को छुपाने के लिए कुछ रह नहीं जाए कुछ रह नहीं जाए छुपाते तो हम उसको है जो हम अपने अंदर कमी देखते हैं दूसरा जान ना पाए उसको हम छुपाने का कोशिश करते हैं। और जब आपको पता लग गया सभी में मैं ही हूँ आपसे भिन्न कुछ है नहीं कोई ढकने के लिए कुछ है नहीं तो किसको रक्षा करें इसलिए हमें बोलते हैं ततश्च एज ए रिजल्ट दो नंबर टिप्पणी
आत्मन अन्नस अदर्शना, अपने से भिन्न करके कोई वस्तु को नहीं देखने के कारण न किंचित भी गोपाई तुम इच्छति, किसी को घृणा करने का भी इच्छा नहीं करते। अब देखिए वहां पे तो भगवान भक्ति का घृणा लिखा है। घृणा कहाँ पे होता है? दुष्ट वस्तु हो और अपने से भिन्न हो वहां पे घृणा होती है। दुष्ट हो घृण वस्तु अपने से भिन्न, यदि अपना ही पैर सड़ गया, डॉक्टर बोल रहे कटे बिना आप जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी आपको लगेगा अपना है, थोड़ा रहने देते हैं, दांत में दर्द हो रहा है उखाड़ थोड़ा देखते हैं आप किस दिन चलते हैं। दुष्ट होने पर भी वहां पे घृणा नहीं होती, फिक्र की इच्छा नहीं होती, बुद्धि को फुसाते हम इस कर्तव्य करते हैं। भगवान नाचवाषण में कि अपने से भिन्न और दुष्ट वस्तु में घृणा होती है, परंतु आत्मा में ना घृणत्व है और ना दुष्टत्व है, ना भिन्नत्व है, घृणत्व भी नहीं है, भिन्नत्व भी नहीं है, परंतु वहां पर गो पाई तो किस किसी को घृणा होना रक्षा करने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए बोलते हैं ततश्च न किंचित् अपि गोपायितुम् इच्छति इति श्रुति अर्थस्य। इस प्रकार श्रुति वाक्य को भी यथोक्त रीत्या जिस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है तत्व साक्षात्कार संग्रहित सति, तत्व साक्षात्कार करने पर श्रुति वाक्य यहाँ पे संग्रहित हो जाता है। स्वीकृतम से स्वीकृत उसका उस मतलब अन्य श्रुति वाक्य को भी मतलब मांड को कार्यकार की इस सिद्धांत को अगर मान्यता देकर अनुभव करेंगे अन्य श्रुति वाक्य को भी आपको खाते एक साथ चलेगा, क्योंकि समस्त उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय तो एक ही है, एक आत्मा ही सत्य, एकत्व प्रतिपादन ही समस्त श्रुति का प्रतिपाद्य विषय। इसलिए यहाँ पे हमारे मतलब अन्य श्रुति के साथ हम मिलकर चल पाएंगे, यही हमारे अभिप्राय करते हैं। अब आगे बोल रहे हैं अध्यात्म अधिदैवयोर अभेद अभ्युपगम द्वारे, इस प्रकार से आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैवी इन तीनों की अभिन्नता को मानने पर भी धरने प्राग उक्त परिपाट्य जिस प्रकार से जिस परिपाट्य से मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे सजा के दिखा गया है तत्व ज्ञान अभ्युपगमे अनभ्युपगमे, यदि इस प्रकार से तत्व ज्ञान का नहीं मानेंगे तब दोष क्या होगा, तो हमारे दर्शन भी द्वैत दर्शन के समान ही हो जाएगा, यही दोष होगा, हम भी शांकवादी जैसे बन जाएंगे। इसलिए बोलते हैं अनभ्युपगमे क्या हो जाएगा, दोष महा अन्यथा ईश्वादेह परिच्छिन्न एवं प्रत्येगात्मा शांखादि दृष्ट, उसमें क्या हो जाएगा आप आत्मा कितना मात्र है केवल मात्र जितना शरीर परिच्छिन्न है इतना ही आत्मा सभी पर शरीर में आत्मा अलग अलग जीवात्मा अलग अलग है, और उसका ये कहना है कि इसी से व्यवस्था बनती है, नहीं तो व्यवस्था कर्म और कर्म करके शांकर्य हो जाएगा, नहीं तो यदि एक ही आत्मा होगा तो क्या हो जाएगा कर्म और कर्म करके शांकर्य हो जाएगा। एक सांख्यकारी का ऐसा आता है जन्म मरण करणानां प्रतिनियमान, जन्म मरण करणानां प्रतिनियमान अजुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष भूतम सिद्धम त्रैगुण विपर्ययात च, तीन हेतु दे रहा है, पुरुष अनेक है उसके लिए तीन हेतु दिया, क्या हेतु दिया, पहला हेतु जन्म मरण करणानां प्रतिनियमान, सांख्यकारी का 18 नंबर सकते जन्म मरण करणानां प्रत्येक जीव का अलग अलग जन्म अलग अलग मृत्यु अलग अलग इंद्रियों की व्यापार, कोई सोता है तो कोई खेलता है तो कोई पढ़ता है तो लड़ाई करता है, बस ये अलग अलग व्यापार होता है। जन्म मरण करणानां प्रतिनियमान अजुगपत प्रवृत्तिश्च, सभी जीव एक ही दिशा में एक ही साथ नहीं जाता, सब अलग अलग व्यापार होता है। पुरुष भूतम सिद्धम, पुरुष नाना सिद्ध हो जाता है, त्रैगुण विपर्यय, तीन गुण के विपर्यय अलग अलग पुरुष में, जैसे सत्य रज तम गुण वाला दिखाई पड़ते हैं, तीन गुण के विपर्यय अलग अलग पुरुष में अलग अलग समय, एक ही समय एक ही व्यक्ति में हो सकता है सत्य गुण दिखा, उसी समय दुष्ट पुरुष में रजोगुण दिखाई पड़ता है, यानी कि पुरुष एक होता एक ही दिखाई पड़ता है, एक ही समय यदि आत्मा एक ही होता तो क्या होता, एक ही प्रकार के गुण सब में देखना चाहिए था, परंतु सभी में गुण अलग अलग दिखाई पड़ता है, एक ही समय अलग अलग दिखाई पड़ता है। भगवान भाष्यकर बोल रहे हैं कि अरे आपने जो बोला आपका बिल्कुल सही है, परंतु ये बताओ ये जो आपने जीव जीत को कहा जन्म मृत्यु आपने पुरुष में माना कि नहीं माना, माना पुरुष में, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपने क्या जन्म मरण करणानां प्रतिनियमान, ये जन्म मृत्यु और करण ये पुरुष का विकार है कि प्रकृति का विकार है, ठीक अच्छा, फिर ये जो युगपत और प्रवृत्ति पूर्णता में प्रवृत्ति होता है कि परिच्छिन्नता में प्रवृत्ति होती है, दूसरा थर्ड त्रैगुण विपर्यय गुण आपने पुरुष में माना कि प्रकृति में माना, प्रकृति,
आपने पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने के लिए जितना सारा हेतु दिया ना दिखाई दे रहा है आपको प्रतिदिन, तो व्यधिकरण है। पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने के लिए प्रकृति को बहुत्व को लेकर के आप बोले, और उल्टा उसने पुरुष को बहुत माना और प्रकृति को एक माना। जो तीन अवस्थाएं हैं उसमें सांख्य दर्शन सही है, तुरीय में गलत हो जाता है, तुरीय को समझा नहीं पाता। कैसे प्रकृति उन्हें तो लगता है पुरुष का असंग संगम भी माना, तो यह ध्यान रखना कि उन्हें जो मतलब गुणवृत्ति मतलब गुण की अलग अलग देखने के कारण पुरुष में वो भिन्नता मान लिया, अतः जो पुरुष का असंग मानते हैं ये कट रहे। भाष्यकार के पास बोलते हैं कि आपकी सिद्धांत तो बिल्कुल सही है, परंतु ये जहाँ पे अलग जहाँ पे ये गुण भिन्नता दिखाई पड़ता है उसमें भिन्नता मानो ना, वो हमारे यहाँ पे काम चल जाता है। अंतकरण अलग अलग है, पुरुष एक है, प्रकृति के विकार है अलग अलग अंतकरण है, अलग अलग परिचिन उपाधि में अलग अलग प्रकार है, पुरुष एक ही व्यवहारिक रूप से लगता है सही है सांख्य, लेकिन हाँ पारमार्थिक इसी को देखो, इसी को आप बोलने जा रहे हैं, इसी को बोलने जा रहे हैं। सांख्यादि पक्षस्य अपि प्रामाणिकत्वात् तथैव प्रतिदेहं परिच्छिन्नस्य प्रत्येकात्मन दर्शनेन प्रामाणिक अर्थ अभ्युपगत भवति, ये अभ्यास बोला, ये लगता है कि सांख्य सही बोल रहा है। इसे बताया सांख्यादि पक्षस्य प्रामाणिकत्व, वो भी तो आपने को आस्तिक दर्शन मानते हैं, वो भी प्रामाणिक होने के कारण तथैव उस सांख्य दर्शन के अनुसार प्रतिदेहं परिच्छिन्नस्य प्रत्येक प्रत्येक देह में आत्मा परिच्छिन्न है ऐसा मानना चाहिए। दर्शन है ना, दर्शन मानने पर प्रामाणिक अर्थ जो एक प्रामाणिक अर्थ को आपने समझा ऐसा समझ में आता है, भगवत की मान्यता हो जाता है, प्रामाणिक अर्थ को आपने समझा ये समझ में आता है, तो सही बोलते हैं। बोलते हैं कि आप जो है ना एक चीज और सामान्य चीज, आप जो ये भेद आपको दिखाई पड़ते हैं वो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अथवा अनुमान प्रमाण के द्वारा आपको भेद समझ में आता है। जो एक दूसरी प्रमाण के द्वारा हमको समझ में आता है उसी को प्रमाणित करने के लिए कोई दर्शन हो सकता है क्या? जिसको अन्य जिस अन्य प्रमाण के द्वारा जिसको हम जानते हैं उसी को प्रमाणित करने के लिए शास्त्र भी प्रवृत्त होगा क्या? नहीं हो सकता। शास्त्र को जब आपने एक अलग प्रमाण माना, आगम को जब आपने एक अलग प्रमाण माना, तो प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग होती है। अब जब आगम प्रमाण के आधार पर चलना चाहते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर सिद्ध करना चाहते हो, कंफ्यूजन नहीं हो रहा तुम्हारा? तुम आगम प्रमाण के विषय क्या है वो बोलो, वो देखो तुम। प्रकृति तो तुम्हारा जो भी सामने आता है वो आप बोलते हो, जो नहीं ठीक है उसको शास्त्र से लिया। पुरुष के विषय में कुछ भी नहीं बोला जा सकता आपने बुद्धि से, पुरुष के विषय में आपको बोलना है तो शास्त्र का इशारा लेना पड़ेगा, और शास्त्र दिखाता है एक अमेब द्वितीय, ये चीज आपको। इसीलिए इसीलिए जो अन्य प्रमाण अप्रत्यक्ष अनुमान अभ्यम दस्तु उपाय ना विद्धते तम विन्दति वेद न तस्मात वेदस्य वेदता, ये वेद की वेदता है। जो अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है वो जो प्रमाण बताता है वो वेद प्रमाण है। तो हमें पहली चीज को समझ, चाहे शास्त्र का प्रमेय वस्तु कौन है, शास्त्र को जब हमने प्रमाण माना इसका प्रमेय वस्तु कौन है? कर्मकांड में स्वर्ग, जो अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, उपासना में ब्रह्मलोक, और वेदांत भाग में आकर के पुरुष। पुरुष यही मानना पड़ेगा आपको, शास्त्र में जो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, कर्मकांड में जो पुरुष दिखाई पड़ता है वो पुरुष परिच्छिन्न पुरुष हमारे सामान्य बुद्धि में आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, इसीलिए वहां पे प्रामाणिक नहीं है। वहां पे प्रमाण क्या है? प्रमेय हो जाएगा सर्व। हाँ समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार से जो है ये फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तब वेदांत तो समझ में आ जाएगा। इसलिए सांख्यादि पक्षस्य अपि प्रामाणिकत्वा तथैव प्रतिदेहं परिच्छिन्नस्य प्रत्येकात्मन दर्शनेन प्रामाणिको अर्थ अभ्युपगतो भवति, ठीक है ना? वो सांख्य दर्शन के अनुसार जीव को अलग अलग देखोगे तो आप प्रामाणिक वस्तु को समझ में आ जाएगा। व्यवस्था अनुपपत्ता च, और क्या है जो कर्म और कर्मफल की व्यवस्था, जन्म मृत्यु की व्यवस्था, ये भी एक आत्मा में सिद्ध नहीं होता, इसीलिए व्यवस्था बना कर रखने के लिए भेद मानना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा क्या हो जाएगा?
तथा च सति अद्वैतमिति श्रुतिकृत विशेषण से। तो श्रुति ने जो बोल रहा है एकमेव अद्वितीयम् सदैव संहितम् अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम् आत्मा वेदम् अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम् अन्य किंचित् विशेष। ये श्रुति की कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, ये श्रुति का तात्पर्य नहीं रह जाएगा। इस तथा च सति अद्वैतमिति श्रुतिकृत विशेषण से, क्यों? तब हमारे दर्शन भी सांख्य दर्शन के तरह द्वैत दर्शन हो जाएगा, द्वैत दर्शन नहीं हो पाएगा। कुछ को समझा रहे, देखिए सांख्यादीनाम द्वैत विषयम दर्शनम इष्टम। सांख्य आदि आदि से लिया सांख्य योग न्याय वैशाचिक पूर्व सभी आ जाएगा। सांख्यादीनाम द्वैत विषयम दर्शनम इष्टम, उसका दर्शन द्वैत दर्शन है। तेन त्वदीय दर्शनस्य अद्वैत विषयस्य विशेष अभाव। आप उसके साथ जो तुम्हारा दर्शन है इस दर्शन का यदि एक ही हो जाएगा तो हमारे हमारे विषय में क्या भेद रहे, विषय में तो भेद ही कुछ नहीं रह जाएगा, एक ही दर्शन हो गया। तब हमारे लिए वेदांत दर्शन बनाने का आवश्यकता है क्या पड़ा? सांख्य दर्शन से काम चल जाता। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे विषय अभाव अद्वैत तत्त्वमिति श्रुति सिद्ध विशेष। श्रुति ने क्या भेद है? अद्वैत अद्वैत भेद रहित पारमार्थिक तत्व है, ये श्रुति का विशेष है। इसे बोलते हैं तत्पक्षे न सिद्ध, ये तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे यदि हम सांख्यवादी का अनुसरण करोगे तो न सिद्ध। अतः श्रुति विरोध भेदवाद क्यों? इससे पर क्या होता है भेदवाद में भेद, यद्यपि आपने को आस्तिक दर्शन मानते हैं परंतु श्रुति के साथ विरोध में बोलते हैं। श्रुति विरोध भेदवाद प्रसन्नचेता, इसका अर्थ श्रुति विरोध भेदवाद से उपसन्न हो जाएगा। हमारे आप छोटा छोटा सा उत्तर दे दिया, ये जो आप बोलते हैं ना व्यवस्था अनुभवता तो जन्म मृत्यु करण का अलग अलग व्यवहार, अरे वो तो उपाधि में सिद्ध हो जाएगा, उपाधि से सिद्ध हो जाता है। बोलते व्यवस्था तो औपाधिक भेदम अधिकृत सुस्ता भविष्य, उपाधि औपाधिक भेद का अवलंबन करके जन्म मृत्यु की व्यवस्था सुस्त मतलब ठीक ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ पे तो जहाँ तक जन्म हुआ ही नहीं वहाँ किसी जन्म मृत्यु की व्यवस्था किस बात की। अब यहाँ तो यहाँ कहने पर तो यहाँ अभी ये नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे जन्म मृत्यु व्यवस्था के मना देंगे उपाधि के सहारे। आप स्वयं बोलते हैं असंग एवं पुरुष, पुरुष की जन्म नहीं है, जन्म किसकी है? स्थूल शरीर की है, तो स्थूल शरीर तो प्रकृति के भाग है, उसकी व्यवस्था थोड़ी उस प्रकृति का अनुसरण करो, पुरुष के लेना ये यहाँ पे सिद्ध व्यवस्था तो औपाधिक हम भेद औपाधिक उपाधि में भेद को मान्यता दे करके सारा व्यवस्था मना देंगे। व्यवस्था में कोई व्यवस्था पारिपाटी में कोई गड़बड़ नहीं होगा, व्यवस्था तो अधिकृत सुस्था भविष्य वो सुस्थ व्यवस्था त्रिवी के सुस्था भविष्य दिया तो हो जाएगा। इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है यहीं पर रखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमेव।